हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बात करें LLB, MFA और BFA जैसे कोर्सेज की जो रिजल्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, ये आपकी जारी हो चुकी है। मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करना होगा, कब तक आप लोग 24 लाख करोगे, 24 लाख का होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और टारगेट गुरुकुल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। आ जाइए बात करते हैं आप लोग की यहाँ पे नोटिस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी नोटिस है, यहाँ मैं क्लियर आपको दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ दो फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत विकल्प च्वाइस फिलिंग बनने की प्रक्रिया 30/8/23 को अपराह्न 12 बजे से प्रारंभ हो रही है। यानी कि दिए गए इन तीन कोर्सेज यानी LLB, MBA और आपके MVA के जैसे कोर्सेज की जो आप लोग की च्वाइस फिलिंग है, वो कल से यानी कल दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और कब तक चलेगी ये, 2/9/23 यानी 2 तारीख तक आप लोग को मौका दिया जाएगा। रात्रि 2 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक अपने 24 लाख आप लोग को अवश्य कर लेना है। अगर आप च्वाइस फिलिंग नहीं करोगे, आपकी फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक है, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि इन सभी बच्चों का भी मैं दिखाऊंगा, मेरिट लिस्ट कैसे चेक करोगे, कितने आपकी पहली रैंक, किस बच्चे की आई, सब कुछ दिखाऊंगा। निश्चिंत हो गए, वीडियो को ध्यान से देखते रहो। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला कि 2 तारीख तक जो बच्चे च्वाइस फिलिंग करेंगे उन्हीं को सीट अलॉट होगी। अगर बाई चांस आपका अच्छा रैंक है लेकिन आप च्वाइस फिलिंग नहीं कर पाते हो, उसके बाद भी आपको सीट नहीं मिलेगी। ठीक, मतलब आप मस्ट है कि आपको च्वाइस फिलिंग करना है। चलिए सर, क्लियर हो गया। यहाँ पे इन्होंने क्लियर ये भी लिखा है कि अपने ID पासवर्ड के माध्यम से आप लोग अपनी च्वाइस फिलिंग कर सकते हो। बात करो च्वाइस फिलिंग कौन कौन कर सकता है, जितने लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनकी 1000 रैंक है, 1500 रैंक है, 2000 रैंक है, फिर भी वो च्वाइस फिलिंग कर सकता है। ठीक है, अब जिसकी रैंक अच्छी होगी उसको मेन कैंपस मिल जाएगा, जिसकी अच्छी नहीं होगी उसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जो सेकेंड थर्ड च्वाइस अपनी रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया के उपरांत सीट आवंटन किया जाएगा, जो कि अभ्यर्थी की मेरिट पे दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। मान लीजिए पहला आपका विकल्प जो है विश्वविद्यालय है, मैं बोलूँगा जितने बच्चे हैं, अगर आपका यहाँ पे 450 रैंक तक आपका यहाँ पे रैंक आई है LLB में, तो आप लोग अपनी फर्स्ट प्रियोरिटी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय को रखिए, सेकेंड प्रियोरिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर मान चलिए पहली अलॉटमेंट आएगी, ठीक है, च्वाइस फिलिंग करने के बाद आपकी पहली अलॉटमेंट आएगी, इसमें मान लीजिए आपका रैंक अच्छा है, 150-200 रैंक आपकी, आपको सीट नहीं मिला, तो आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, आपको सेकेंड अलॉटमेंट में सीट मिल जाएगी। मान लीजिए सेकेंड अलॉटमेंट में सीट नहीं मिलेगी तो आपको थर्ड अलॉटमेंट में सीट मिल जाएगी। मतलब जब तक लखनऊ विश्वविद्यालय LLB का किसी भी कोर्स की सीट फुल नहीं होगी, तब तक आपकी अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट आती रहेगी। ठीक, इतना कंफर्म हो गया, यानी पहला अलॉटमेंट देख के आपको परेशान नहीं होना है, रैंक अच्छी है, सेकेंड अलॉटमेंट थर्ड अलॉटमेंट का आपको वेट करना है। जब सीट फुल हो जाएगी तो लखनऊ विश्वविद्यालय नोटिस देकर बताएगा कि सर आपका यहाँ और एडमिशन ले लीजिए, आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की सीट हो चुकी है फुल। ठीक, अब चलिए बात करते हैं कैसे मेरिट लिस्ट आपको चेक करना है, कैसे च्वाइस फिलिंग करना है, उन सभी बातों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एडमिशन पे आना है, एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीधे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इंक्लूडिंग LLB और LLM पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे मेरिट लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सीधे आपको मेरिट लिस्ट पे करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LLB सबसे ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो सीधे आपको कुछ करना नहीं, सीधे आप यहाँ से क्लिक करेंगे PDF आपके मोबाइल में ओपन होगा। जैसा मैंने आपको पहले ही कट ऑफ बता दिया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं LLB की 170 रैंक आपकी पहली रैंक, यानी सबसे हाईएस्ट जो नंबर गया है 170 नंबर तक गया है, आप देख सकते हैं। नाम भी बता दें मैं इस बच्चे को, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, कृति तिवारी नाम है, इनके फादर का नाम भी रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ मेंशन रहेगा। ठीक, अब जितने बच्चे भी यहाँ पे लिस्ट में नाम है, ये सभी बच्चे क्या हैं, च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। अब जो बच्चे यहाँ पे अच्छी रैंक में होंगे उनको विश्वविद्यालय मिलेगा, जो अच्छी रैंक में नहीं होंगे उनको विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा। ठीक, अब रही बात च्वाइस फिलिंग की, तो आपको 2 तारीख से पहले च्वाइस फिलिंग करनी है। कहाँ से च्वाइस फिलिंग करोगे वो देख लीजिए, जैसे ही आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सबमिट योर च्वाइस, सबमिट योर च्वाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे, कैप्चा डालोगे, आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। अपनी च्वाइस को वहाँ सबमिट करिए, और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको मान लीजिए 2 तारीख लास्ट डेट दी गई है, तो 2 तारीख से आपको 1 से 2 दिन का समय लगा विश्वविद्यालय, और उसके बाद आपकी क्या होगी, अलॉटमेंट जारी करेगा। जिसको विश्वविद्यालय मिलना होगा वो अलॉटमेंट में, आप अपनी अलॉटमेंट चेक करेंगे, बताऊंगा जब अलॉटमेंट आएगी, तो उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, जो बच्चे अपना च्वाइस फिलिंग करना है 2 तारीख से पहले अपनी च्वाइस फिलिंग कर लो। ठीक है, आपका अलॉटमेंट जो होगा वो लगभग आप लोग का 3 से 4 तारीख के बीच में, 4 से 5 तारीख के बीच में, लगभग 2 दिन का टाइम लगता है और आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक,
उसमें आपको बताएगा कभी विश्वविद्यालय मिला है नहीं मिला है। ठीक, तो एक बार कंफर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टारगेट से पढ़ाई की हो तो आपकी रैंक कितनी आई है, क्या नंबर रहा है, जरूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो, जैसे ही अलॉटमेंट आती है तुरंत आपको हम अपडेट कर देंगे। थैंक यू।